जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 अब लेसन 2 चल रहा है और दैट इज़ अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का मैनेजिंग एंटी वायरस। किसी एंटी वायरस को किस तरह से मैनेज की। सबसे पहले तो आपको पता हो एंटी वायरस होता क्या है। ऐसा सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर्स इज कॉल्ड एंटी वायरस। कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट यूजर्स नीड टू हैव लेटेस्ट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर यूजर्स हैं, क्योंकि वो इंटरनेट भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि इंटरनेट जो लेटेस्ट एंटी वायरस है वो उसमें इंस्टॉल हो उनके कंप्यूटर में, ताकि उनका कंप्यूटर एंटी जो वायरस है उससे महफूज रहे। जो वर्म्स वगैरह हैं, जितने भी इस तरह के मेलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनसे महफूज रहे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सेफ्टी एज इट कैन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स फ्रॉम बिकमिंग डैमेज्ड और लॉस्ट ड्यू टू वायरसेस। तो ऐसे फाइल्स जो डैमेज हो जाती हैं या वायरस की वजह से क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जो रीडेबल नहीं रहती या जिन तक एक्सेस नहीं रहता, तो उनको प्रोटेक्ट करने में डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को क्या करता है, एंटीवायरस एक अहम किरदार अदा करता है। मैनेजिंग एन एंटीवायरस मींस हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस को मैनेज करना, इसका मतलब यह है कि कैसे आपने डिटेक्ट करना है और किस तरह से एलिमिनेट करना, मींस के ख़त्म करना, उसके साथ से रिमूव करना पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स, यानी कि मुमकिना जो वायरस थ्रेट्स हैं उनको, बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अच्छे जो है वो तरीके से एफिशिएंटली मींस के अपने मौसर अंदाज में इसको यूज़ करके एंटीवायरस को ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय ए कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर स्कैनिंग एनी फाइल्स लुकिंग फॉर वायरस डेफिनेशन दैट मैच ए वायरस डिक्शनरी। एक वायरस डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी आपको पता है कि उसमें डिफरेंट, जब आप इंग्लिश डिक्शनरी की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि उसमें सारे इंग्लिश के वर्ड होंगे। वायरस डेफिनेशंस की जो डिक्शनरी है या वायरस डिक्शनरी है, दैट मीन्स कि उसमें सारे वायरसेस के नाम होंगे। ये हर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ होती है, जिसमें सारे वायरसेस की डेफिनेशंस होती हैं, उनके नाम गिवन होते हैं, और यहाँ से वो डिटेक्ट करता है उसकी मदद से कि कंप्यूटर में कौन सी फाइल्स के साथ वायरस है, और वो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करके एलिमिनेट करता है। इफ़ ए मैचिंग वायरस इज़ फाउंड, सॉफ्टवेयर अलर्ट्स द यूज़र अबाउट द वायरस एंड टेक्स नेसेसरी एक्शन गेट्स इट्स ऑफ इन्फेक्टेड फाइल्स। तो जब डिक्शनरी के मुताबिक जो मैच कर रहा हो कि ये वायरस है, तो वो डिटेक्ट करने के साथ ही यूज़र को नोटिफाई करता है और उस पर जो एक्शन परफॉर्म करना हो, ताकि वो फाइल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड वो ख़त्म की जा सके। इसके अलावा एंटीवायरस होता क्या है, अब उसकी अब बात आ गई। जो पहले बताया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू डीएक्टिवेट और रिमूव मेलिशियस प्रोग्राम्स। ये उसकी डेफिनेशन है। वायरसेस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, एडवेयर्स हो सकते हैं, उनको रिमूव करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए, काम से रोकने के लिए और उनको डिटेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, दैट विल बी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। एंटी वायरस प्रोग्राम्स रन इन दी बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का मतलब है कि आपको सामने नहीं चल रहे होते, बैक एंड पे ये वर्किंग अपनी जारी रखते हैं, और इन्फॉर्म्स द यूज़र व्हेन सम मलवेयर इज़ डिटेक्टेड। जब कोई इन्फेक्शियस सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम डिटेक्ट होता है, तो ये आपको नोटिफाई करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर को प्रोटेक्ट भी करता है जो
बाकी कंप्यूटर से किसी नेटवर्क का हिस्सा हो या इंटरनेट का हिस्सा हो। सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो गिवन है जी, कौन कौन से एंटीवायरस हैं। वायरस में और एंटीवायरस में डिफरेंस है, ये गौर से देखने वाली बात है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं जो वायरस को ख़त्म करते हैं। इसमें सिमेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एम काफ़ी सॉफ्टवेयर, AVG एंटीवायरस, कैस्परस्काई है, बिट डिफेंडर है, नोड 32, इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये कॉमनली यूज्ड हैं, जो उनके नाम आपको बताए, सारे आपको नाम पता होना चाहिए। वायरस डेफिनेशन अपडेट्स क्या होती हैं जी? वायरस डेफिनेशंस यानी कि वायरस की जो डिफरेंट वायरसेस हैं उनके उनके बारे में जितनी भी तफसीलात होंगी, यानी कि उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि वो क्या करते हैं, क्या कैसे फैलते हैं, क्या थ्रेट फैलाएंगे, क्या चीज़ करेंगे, तो विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये यूज़ की जाती हैं वायरस डेफिनेशंस, जिनमें उनका काम बताया गया होता है, उनका नाम भी बताया गया होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, इनको यूज़ करते हुए वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है। वाइल स्कैनिंग ए कंप्यूटर वायरस डेफिनेशंस टेल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू रिकग्नाइज वायरसेस। जब कंप्यूटर को स्कैन कर रहे होते हैं यूजिंग एंटीवायरस, तो ये सॉफ्टवेयर बताता है कि कौन सा वायरस है और एंटीवायरस को मदद देता है उनको रिकग्नाइज करने में, पहचानने में। व्हेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, अ फाइल कंटेनिंग ए सेट ऑफ वायरस डेफिनेशन से फाइल डेफिनेशन फाइल इज आल्सो इंस्टॉल्ड। तो जब कोई एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक वायरस डेफिनेशंस की फाइल भी इंस्टॉल होती है, या वायरस डिक्शनरी, या जिसे आप कहते हैं कि वायरस लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, जिसमें उसके बारे में सारी तफसीलात दर्ज होती हैं, मौजूद होती हैं हर किस्म के वायरस के बारे में जो वो डिटेक्ट कर सकता है। टू प्रोटेक्ट दी कंप्यूटर फ्राम मोस्ट करंट वायरसेस, जितने भी जदीद किस्म के वायरसेज आए दिन बन रहे होते हैं उनसे महफूज रखने के लिए कंप्यूटर को, यूज़र मस्ट अपडेट, इसीलिए कहा जाता है कि एंटीवायरस जो है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड होगा तो उसमें सारे वायरस की डेफिनेशन होंगी जो आए दिन बन रहे होते हैं, और फिर आपका एंटीवायरस सही तरह से काम करेगा। मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंक्लूड एन ऑटो अपडेट फीचर। ऑटो अपडेट का मतलब है कि वो खुद से अपडेट करता रहता है, स्पेशली वीकली करेगा या डेली करेगा, किसी टाइम पे वो खुद से अपडेट करता रहता है। दैट इनेबल्स द एंटीवायरस प्रोग्राम टू डाउनलोड प्रोफाइल्स ऑफ न्यू वायरसेस सो दैट इट कैन चेक फॉर न्यू वायरसेस एज सून एज दे आर डिस्कवर्ड। जैसे ही नए वायरसेस जो हैं वो कोई डेफिनेशंस आती हैं, वो उनको अपडेट करता जाता है और कंप्यूटर में सेव करता जाता है। इसकी मदद से, उनकी प्रोफाइल्स की मदद से वायरस को चेक करना आसान रहता है। एन एंटीवायरस अपडेट इज़ एन अपग्रेडेशन ऑफ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस अपडेट क्या होती है? अपग्रेडेशन होती है, पहले से मौजूद जो एंटीवायरस है, यानी कि जो वायरस तो ख़त्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसकी अपग्रेडेशन को हम एंटीवायरस अपडेट कहते हैं। यानी कि उसी में आप थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अपडेट वायरस डेफिनेशंस कैन प्रोटेक्ट एंड क्लीन द कंप्यूटर फ्रॉम मोस्ट रीसेंट कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जब आप वायरस को अपडेट कर रहे होते हो, जो इसका मतलब ये होता है कि आपने मोस्ट रिसेंटली जो वायरसेस हैं या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको आप डिटेक्ट करके तो रिमूव कर सकते हो, और ये बचाता है कंप्यूटर को वायरस से। इसके अलावा वाइडली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उनमें सिमेंटिक वायरस कैसे काम करता है, एम काफ़ी और AVG, इन तीन का जिक्र है यहाँ पे, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले सिमेंटिक वायरस एंटीवायरस, नॉट वायरस एंटीवायरस आपने साथ में लिखने, अगर वायरस लिखेंगे दैट विल बी ए मिस्टेक। सिमेंटिक एंटीवायरस सिमेंटिक कॉर्पोरेशन इज़ द लार्जेस्ट मेकर ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर्स। ये सिमेंटिक के नाम से कॉर्पोरेशन है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसी तरह सिमेंटिक भी एक कंपनी है
लार्जेस्ट मेकर ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ये बनाती है। सिमेंटिक एंटीवायरस SAV इज़ ए वेरी पावरफुल इफेक्टिव प्रोग्राम विच कैन प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ्टी इशूज़। कंप्यूटर को जितने भी थ्रेट्स वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए ये बड़ा इफेक्टिव एंटीवायरस प्रोग्राम है। अच्छा, इस पैकेज में क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इसका प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया है, तो उसमें इसका आइकन किस तरह का होगा, और पैकेज आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है 2.7 में। सॉफ्टवेयर पैक और इमेजिनेशन गिव्स एन इमेजिनेशन और हाउ। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्शन के बता रहा है कि ये कौन कौन से वायरस है इसको प्रोटेक्ट करता है। तो अब इंटरनेट से जो वायरस होगा, इसके अलावा नेटवर्क का हिस्सा बनने से, या जिस तरह से ईमेल अटैचमेंट्स वगैरह जितने भी तरह के वायरसेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, फॉलोइंग इज़ ए लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ सिमेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सिमेंटिक एंटीवायरस के फीचर्स यहाँ पे गिवन हैं। ये क्या करता है, स्कैनिंग बोथ ऑन डिमांड एंड रियल टाइम इन दी बैकग्राउंड वाइल यूजिंग दी कंप्यूटर। ऑन डिमांड का मतलब है यूज़र जब चाहे उस वक्त भी, और वैसे भी इन रियल टाइम, यानी कि जब कंप्यूटर यूज़ हो रहा है और बैकग्राउंड में ये चल रहा होगा यूज़र की ख्वाहिश के अलावा भी। अब यूज़र जब चाहे उस वक्त भी इसको परफॉर्म कर सकता है वायरस स्कैनिंग, ताकि वायरस डिटेक्ट किया जा सके, और वैसे भी ये चल रहा होता है बैकग्राउंड में। प्रोटेक्ट्स ए कंप्यूटर अगेंस्ट दी लेटेस्ट वायरसेस, स्पाईवेयर एंड अदर थ्रेट्स। जितने भी तरह के थ्रेट्स होते हैं कंप्यूटर को, उनको रोकने में मदद देता है, उनसे कंप्यूटर को बचाता है। यूज़र की जो चैट वगैरह, ईमेल और शेयर फाइल होती हैं, वो आसानी से यूज़र ये परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एंटीवायरस जो है इनको सारों को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है, ताकि किसी भी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स को जो है वो काउंटर किया जा सके। एक क्वारंटाइन फीचर आइसोलेट्स इन्फेक्टेड फाइल्स इन द सेफ एरिया ऑन द कंप्यूटर अनटिल दे आर रिपेयर्ड। तो क्वारंटाइन ऐसा फीचर है इसका, जिसकी मदद से आप इन्फेक्टेड फाइल्स को अलग कर देते हैं बाकी फाइल से, और उन्हें एक ऐसे सेफ एरिया में रखते हैं जहाँ पे उनको रिकवर करने में या उनके रिपेयर करने में जो है वो जितना भी टाइम लगता है तब तक वो वहाँ पे रहती हैं, और कंप्यूटर का जो बाकी डाटा है वो सेफ रहता है। लाइव अपडेट फीचर इंश्योर्स दैट सिमेंटिक एंटीवायरस स्कैनर ऑलवेज हैज़ दी लेटेस्ट वायरस डेफिनेशंस। तो ये वायरस अपडेट्स फीचर जो ऑटोमेटिक अपडेट होता है या लाइव अपडेट होता है, तो इसकी मदद से जो लेटेस्ट डेफिनेशंस हैं वो ऐड होती रहती हैं ऑटोमेटिकली, ताकि वायरस जो एंटीवायरस जो है वो सही तरह से काम करता रहे। इसके बाद बात आती है एमकाफी एंटीवायरस। एमकाफी एंटीवायरस ऐसा वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है जो किसने क्रिएट किया, एमकाफी इनकॉर्पोरेट ने या इनकॉर्पोरेशन ने। एमकाफी एंटीवायरस ऑफर्स इफेक्टिव सिक्योरिटी टू कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स ऑफ मलवेयर। जितने भी मलवेयर अटैक्स होते हैं उनसे रोकने में मदद देता है। मलवेयर मीन्स के जिस तरह के इन्फेक्शन प्रोग्राम कंप्यूटर पे हमलावर होते हैं, उनको रोकने में एमकाफी सॉफ्टवेयर मदद देता है। एमकाफी वायरस स्कैन एंटरप्राइज कंबाइंस एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर फायरवॉल एंड हैकिंग प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज टू स्टॉप रिमूव एंड रिमूव मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये इसमें एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मतलब होता है कि स्पाईवेयर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन चुराते हैं, एंटी स्पाईवेयर जो उनको रोकते हैं, इस तरह के जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को रोकते हैं। फायरवॉल, फायरवॉल का मतलब है कि ये ऐसी प्रोटेक्टिव वायर वॉल होती है
जो फिजिकली तो नहीं होती, वर्चुअल होती है, यानी कि ख्याली सी एक दीवार है जो एक्चुअली नज़र तो नहीं आती, बट ये वर्क कर ही होती है ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो महफूज रहे। इसके अलावा हैकिंग प्रिवेंशन होती है। तो ये सारी जो फीचर्स हैं ये कंबाइन होके एम काफ़ी वायरस स्कैन में शामिल होते हैं ताकि ये सही तरह से काम कर सके और जितने भी थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सके। इसके बाद एंटी AVG एंटी वायरस है, ये भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय AVG टेक्नोलॉजीज, ए प्राइवेट सीजेक कंपनी फॉर्मली नाउन एज ग्रेसॉफ्ट। तो ये ग्रेसॉफ्ट जो है पहले इसका नाम था, अब इसका नाम सीजेक है। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी है जिस तरह से बाकी माइक्रोसॉफ्ट है या एम काफ़ी वगैरह है, तो इसी तरह से ये भी एक कंपनी है। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के लिए ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी सर्विसेज। इसके अलावा इंटरनेट सिक्योरिटी विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए। तो AVG स्टैंड्स फॉर एंटी वायरस गार्ड। AVG क्या है? एंटी वायरस, और G फॉर गार्ड। तो एंटी वायरस गार्ड ये इसका पूरा एब्रिवेशन है। वन वर्जन ऑफ AVG इज़ अवेलेबल फॉर फ्री विच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। तो एक कोई ना कोई वर्जन जो इसका होता है वो प्रीवियस वर्जन मोस्टली वो फ्रीली अवेलेबल होता है ताकि उसको डाउनलोड कर सकें। इसका आपको आइकन नज़र आ रहा है या लोगो जिसे आप कहते हैं। AVG फ्री एडिशन एप्लीकेशन प्रोवाइड्स बेसिक प्रोटेक्शन। बेसिक प्रोटेक्शन यानी कि जो आपको फ्री प्रोवाइड की गई होती है कि आप सर्फिंग कर रहे हो, इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो, उसके दौरान एड्स वगैरह से, मलिशियस सॉफ्टवेयर से महफूज रहने के लिए आपको ये इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। AVG एंटी वायरस फ्री एडिशन इज़ ओनली अवेलेबल फॉर सिंगल कंप्यूटर यूज़ फॉर होम एंड नॉन कमर्शियल यूज़। तो ये जो फ्री वर्जन होता है ये सिंगल कंप्यूटर के लिए होता है, किसी कंपनी के लिए नहीं होता, नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए। यानी कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं या आपके इसी तरह से सिंगल यूज़र के लिए होता है ये। अपडेटिंग ऑफ वायरस डेफिनेशन इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहता है ताकि आप क्या कर सको, आपका वायरस जो है वो, एंटी वायरस जो है वो सही तरह से काम कर सके। अब स्कैनिंग ए कंप्यूटर फॉर वायरसेस ये टॉपिक है, और किस तरह से कंप्यूटर में वायरस को आप स्कैन करते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और क्योंकि इसके बाद फिर आपका ये एक्सरसाइज वगैरह है, तो दैट्स अप टू यू। आपने अच्छे तरीके से जहाँ तक पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से करना है। ये AVG में परफॉर्म करेगा, तो कोई भी एंटीवायरस जो है मोस्टली स्टेप्स जो हैं वो सेम होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा तो ये हम आखिर में करेंगे। स्कैनिंग के लिए कोई भी स्टेप्स जो हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं। तो ये आपका आपका लेसन था। अस्सलाम वालेकुम।